अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली अब घर वापस आ चुका हूँ, जो कि जो सफ़र पे था मैं किशोर शरीफ का, जो कि यूपी में अम्बेडकर नगर में है। तो करीब करीब 4 दिन का वो ट्रैवल था, जो काफ़ी लगभग 500 किलोमीटर का एक लॉन्ग ट्रैवल था। तो ये मेरे लिए अभी, ऐसे तो मैंने इससे पहले और भी लॉन्ग ट्रैवल किया है, सफ़र किया है, लेकिन अपने YouTube चैनल्स के लिए ये हमारा पहला एक लॉन्ग ट्रैवल था, एक लंबा सफ़र था। तो काफ़ी कुछ मैंने देखा इस सफ़र में और काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया, और बहुत चीज़ें मैंने देखी जो आप सबके साथ में मैंने वीडियोस का शेयर भी किया, व्लॉग शेयर भी किया। तो 2 दिन तो जाने आने में ही लग गया मुझे, 1 दिन जाने में और 1 दिन आने में, और 2 दिन मैंने वहाँ स्पेंड किया। तो वहाँ से जुड़े बहुत सारे चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर किया, जैसे हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के बारे में, वहाँ जहाँ पर वो उनका रोज़ा है, उनका जो दरगाह है वो सारा चीज़, और वहाँ का किस वजह से लोग की भीड़ वहाँ पर रहती है, और लोग वहाँ क्यों जमा होते हैं, और हर दिन वहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती है, और वहाँ के नीर शरीफ के बारे में, और जो उनका जो ज़िंदगी जो था उसके बारे में, और वो ईरान से ले करके यहाँ पर जो आए इस यूपी के अम्बेडकर नगर में, तो उन सब चीज़ के बारे में मैंने आपके साथ में शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, एक रूहानी सफ़र था, जो कि वो अल्लाह के बहुत ही पहुँचे हुए एक बेहतरीन अल्लाह के वली हैं, जिनके बारे में मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जा कर के, और आप सबको भी काफ़ी अच्छा लगा ही होगा। और उसके अलावा मखदूम पाक के दरगाह के अलावा मैंने और भी वहाँ पर जो दरगाह हैं, जैसे फ़कीर बाबा, और वहाँ का जो मैंने आपको लाइब्रेरी के बारे में बताया, मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी, वहाँ के मदरसे और खानकाह वगैरह, और मखदूम पाक का जो लहर खाना था, वो सारा चीज़ मैंने आप सबको वहाँ के बारे में शेयर किया, वहाँ के खानकाह के बारे में। कुछ चीज़ें और भी थी जो मुझसे छूट गई, जो क्योंकि समय नहीं था, और दूसरा चीज़ था कि मौसम की वजह से भी मुझे कुछ वीडियो को शॉर्ट में भी बनाना पड़ा, और कुछ वीडियो मैं नहीं भी बना पाया। तो ये कुछ दिक्कतें थी मुझे, और आप सबका जो हमारे इस सफ़र का जो रिस्पॉन्स रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा लगा, जो हमने वीडियो जो ब्लॉग आप सबके साथ में शेयर किया, अच्छा सपोर्ट बनाया आपने, तो इस चीज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। इसी तरह से हमारे इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, और मिलते हैं अगले इसी एक नए वीडियो में, एक अच्छे से अच्छे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, खुदा हाफिज़, गुड बाय।